18वीं लोकसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां नव निर्वाचित सांसदों के शपथ लेने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में सबकी नजरें लोकसभा स्पीकर पद को लेकर टिकी हुई है। तो बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं कांग्रेस ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए रेस में उतारा है। तो बताते चलें कि स्पीकर पद को लेकर गहमा गहमी वाला माहौल देखने को मिला था, जहां राहुल गांधी ने कॉम्प्रोमाइज करने की बात कही थी। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि अब विपक्ष की तरफ से भी नामांकन दाखिल करने के लिए के सुरेश का नाम जो है सामने आ रहा है। कांग्रेस ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए रेस में उतारा है। हालांकि सुबह तक ये खबर सामने आ रही थी कि विपक्ष भी ओम बिरला के नाम पर सहमत है, लेकिन अब ये बड़ी अपडेट आ रही है कि कांग्रेस ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए रेस में उतार दिया है। तो आज लोकसभा सत्र का दूसरा दिन है और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मृगेन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मृगेन जी, आज ही ये अपडेट मिली, आज नामांकन दाखिल करना था, ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया, लेकिन राहुल गांधी जो कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे थे, अब ये बात सामने आई कि के सुरेश ने भी जो है उनका नाम सामने आया, उनकी दावेदारी पेश की गई है, तो उसके ऊपर क्या पूरी जानकारी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए किसी का नामांकन दाखिल किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार इस बात पर अड़े थे कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जो है विपक्षी दलों को दिया जाए और अध्यक्ष को, ये भाजपा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जो हैं उनको समर्थन करेंगे, लेकिन बात नहीं बनी। राजनाथ सिंह का फोन आया, राजनाथ सिंह ने तमाम विपक्षी दलों के अन्य नेताओं से भी बातचीत की, कुल मिलाकर बात नहीं बनने के बाद कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को उतारा है। विपक्ष जो है पहली बार इस तरह का कर रहा है, जो कुल मिलाकर ये है कि आने वाला जो संसद सत्र है या आने वाले 5 साल जो हैं वो टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि पहली जो चुनौती थी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव न हो, वो निर्विरोध चुना जाए, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सहमत नहीं हो पाए, कुल मिलाकर टकराव की स्थिति आगे भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल मृगेन जी, तो टकराव की स्थिति आगे भी देखने को मिलेगी, और ये जो कॉम्प्रोमाइजेशन की बात थी इस पर जो है यहाँ पर जो है कह लीजिए कि सहमति नहीं बनी है, और इसके बाद से ये अपडेट है कि के सुरेश का नाम भी सामने आ रहा है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मृगेन जी आपका शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर का रुख करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, तो करीब 1 दर्जन प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। गौ संवर्धन और संरक्षण, नगरीय विकास एवं आवास को हरी झंडी मिली है। तो सीएम डॉक्टर मोहन, कैबिनेट की बैठक चल रही थी तो बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है। तो गौ संवर्धन और संरक्षण, नगरीय विकास एवं आवास, साथ ही ग्रामीण विकास विभाग और शिक्षा से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की बात थी और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी श्याम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, क्या कुछ अपडेट है? बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक में क्या बातें सामने निकलकर सामने आई? देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बैठक ने ये तस्वीर पेश करी कि अब विकास चहुओं होना चाहिए, यानी किसान का भी विकास होना चाहिए, किसान के अलावा जो विद्यार्थी है उनका भी विकास होना चाहिए, और कहीं कहीं प्रदेश की हर गतिविधि पर फोकस रहा। कई जो है महत्वपूर्ण बिल
क्योंकि अभी बजट सत्र होना है, उसमें लाए जाने हैं तो पहले कैबिनेट की मुहर लग जाए उसके बाद में जो है वो बिल आए, ये कोशिश रही। तो आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास के रूप में भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि किसान की बात कही। देखिए, एक बड़ी बात ये कही गई कि जिन विद्यार्थियों ने एग्रीकल्चर में डिग्री ली है तो अब वो सॉइल टेस्टिंग कर पाएंगे। सॉइल टेस्टिंग क्योंकि बड़ा मुद्दा होता है, किसान उसी के आधार पर जो है खेती करते हैं, तो अब सॉइल टेस्टिंग का काम वो विद्यार्थी कर पाएंगे, साथ साथ में किसानों को वो अपनी सलाह भी दे पाएंगे। और इधर सरकार 45 सॉइल टेस्टिंग का पैसा जो है उन विद्यार्थियों को देगी ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। ऐसे तमाम प्रस्ताव जो है वो, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंहस्थ भी होना है, उसका भी जो है क्या सिनेरियो रहेगा, उसमें क्या चीज़ें हमको फोकस करनी है, इस पर भी बात हुई। बिल्कुल श्याम जी, तो करीब एक दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है, और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए अब जरा ये भी जान लीजिए कि मोहन कैबिनेट ने अब तक किन किन मुद्दों पर मोहर लगा चुके हैं। तो हम ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में 1 जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। तो ये पूरी टाइमलाइन हम आपको समझाएंगे कि जब मोहन यादव सरकार में आए, जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने क्या क्या फैसले लिए। 13 दिसंबर 2023 को ही धार्मिक स्थल समेत अन्य संस्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को निर्धारित मापदंड से अधिक बजाने पर रोक लगा दी थी, और इसको लेकर जो है बहुत ही चर्चा तेज हुई थी। अगर आपको याद हो दिसंबर का वो महीना जब ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर खबर सामने आई थी। इसके बाद बात करते हैं 23 जनवरी 2024 की। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के विलय की स्वीकृति मिली, और इसके बाद हम बात करेंगे अगली तारीख की, जो थी 31 जनवरी 2024। इस दिन पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को मूर्त रूप देने का निर्णय लिया गया, और इसके बाद से एक के बाद एक अहम फैसले लिए गए। 31 जनवरी के बाद सीधे 6 फरवरी पे आ जाइए। 6 फरवरी 2024 को सहकारी बैंकों से कृषकों को फसल ऋण प्रदान किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था किसानों के हित में। और फिर बात करते हैं 19 फरवरी 2024 की। इस दिन उज्जैन मेले में वाहनों की खरीदी पर 50% की छूट मिलेगी, इस बात का ऐलान किया गया था, और ये बड़ी खबर थी उस दिन की, और सबसे बड़ी खबर थी मध्य प्रदेश में। इसके बाद 27 फरवरी 2024 की बात कर लेते हैं। कैबिनेट बैठक में पीएम ई बस सेवा योजना का अनुमोदन किया गया। प्रदेश के 6 शहरों में 552 ई बसों का संचालन होगा, इसका भी निर्णय उस दिन लिया गया है 27 फरवरी को। फिर आ जाइए आप मार्च के महीने में। 4 मार्च को डायल 100 योजना को चालू रखने का फैसला लिया, ये भी बहुत बड़ा फैसला था, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डायल 100 को बंद नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात आती है मार्च में ही 11 तारीख की, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना को स्वीकृति दी, साथ ही मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी स्वीकृति मिली, और साथ ही एक बड़ी राशि जो है उसके लिए आवंटित की गई। फिर बात आती है 14 मार्च की। 14 मार्च 2024 को ही क्या हुआ कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति मिली, केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यों के लिए राशि की स्वीकृति दी गई, और ये करीब आपको बता दूं कि 11 करोड़ से ऊपर की राशि को मंजूरी मिली थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिरी 11 जून को क्या हुआ। 11 जून 2024 को स्वास्थ्य संस्थाओं में 46,491 नवीन पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। तो ये पूरी टाइमलाइन हमने आपको समझा दी जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से उन्होंने अपनी बैठक में क्या अहम फैसले लिए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विधानसभा सत्र में गूंजेगा छात्रवृत्ति का मुद्दा, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो विधायकों ने छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी मांगी है, 2018 से लेकर 2024 तक की जानकारी मांगी गई, तो क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से ब्यौरा भी मांगा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। विधानसभा सत्र में गूंजेगा छात्रवृत्ति का मुद्दा, जिसमें विधायकों ने छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी मांगी है और 2018 से लेकर 2024 तक की जानकारी मांगी गई है। तो एसडी ने इसको लेकर जानकारी मांगी है, और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, विधानसभा सत्र में एक बार फिर छात्रवृत्ति का मुद्दा गूंजेगा, जानकारी मांगी जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, 1 जुलाई से मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। इस विधानसभा सत्र में सबसे ज्यादा छात्रवृत्ति का मुद्दा ही उठाया जाएगा। तमाम सारे अधिकांश विधायकों ने छात्रवृत्ति को लेकर जानकारी मांगी है और यही वजह है कि हायर एजुकेशन ने 3 से 4 विभागों को ये पत्र लिखते हुए कहा है कि गाँव की बेटी योजना सहित जो सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं उन सभी छात्रवृत्ति की जानकारी दी जाए। कितने आवेदन आए, कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई और कितना सरकार की तरफ से उनको खर्च किया गया और कितने छात्रवृत्ति की योजना से लाभ छात्रों को नहीं मिल पाया है, इसकी पूरी जानकारी भेजी जाए। तमाम सारे क्षेत्रीय संचालक हैं और इसके अलावा तमाम सारे प्राचार्यों को यह पत्र लिखा है एजुकेशन की तरफ से और यह कहा गया है कि 2018 से लेकर 2024 तक की तमाम सारी जानकारी दी जाए, क्योंकि 1 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इस सदन में तमाम सारे विधायकों ने इस योजना से जुड़े हुए छात्रवृत्ति के मुद्दे की जानकारी मांगी है और जल्द से जल्द ये जानकारी देने के लिए सभी को कहा गया है। एक सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे विधानसभा सत्र के दौरान छात्रवृत्ति भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि ये देखने के लिए आया है कि स्कूल हो या फिर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को लंबे समय तक छात्रवृत्ति नहीं मिलती आ रही है और स्थानीय विधायकों के पास जब ये शिकायत आती है तब ये उच्च शिक्षा के पास पहुंचाई जाती है। यही वजह है कि 2018 से लेकर 2024 तक की तमाम सारी जानकारी बुलाई गई है जिससे सदन के दौरान मंत्री इस पूरी छात्रवृत्ति के मामले को लेकर जानकारी विधायकों को दे सके। बिल्कुल विवेक, ऐसे में विवेक नेट को लेकर पूरे देश में उबाल है, सियासत शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में विपक्ष जो है इस मुद्दे को बिल्कुल उठाएगा विधानसभा सत्र के दौरान। बिल्कुल, आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर विधायक दल की बैठक होगी और विपक्ष के तभी विधायक आखिर कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर सदन के अंदर सरकार से सवाल किया जाए, तो एक नीट बड़ा मुद्दा होगा। इसके अलावा नर्सिंग एक फर्जीवाड़ा एक बड़ा इशू है और नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ तक मांग कर दी है कि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री और हेल्थ कमिश्नर से लेकर ACS हेल्थ पर भी कार्रवाई की जाए। फिलहाल सरकार सुनीता सीजू और चंद्रकला दिग्विजय के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन सदन के दौरान जब ये पूरा हंगामा मचेगा तो जरूर ये सरकार से पूछा जाएगा कि आखिर बड़े अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। ऐसे कई और मुद्दे रहेंगे, सड़क पानी बिजली कानून व्यवस्था को लेकर जिसको लेकर सवाल भी लगाए गए हैं और ये मुद्दे सदन में उठाए भी जाएंगे। बिल्कुल विवेक, तो 1 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से इस मुद्दे को उठाते हैं और क्या कुछ जानकारी मिलती है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए विवेक आपका शुक्रिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आपातकाल पर CM डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। PM ने कहा है आपातकाल का दौर लोकतंत्र पर बहुत बड़ा काला धब्बा है, तो उस काले समय को याद कर आज भी पूरा देश सिहर उठता है। आपातकाल के जख्मों को लेकर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आपातकाल का दौर लोकतंत्र पर बहुत बड़ा धब्बा है और कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही बात कही थी कि 25 जून देश के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। मोदी जी ने जो कहा है लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो आजादियां हैं, जिस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए। लोकतंत्र को बचाने, संविधान को बचाने का जो भाजपा का संघर्ष है वो सदैव स्मरणीय रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। खजुराहो में सैनिक स्कूल खोलने की मांग भी की और अगर खजुराहो में सैनिक स्कूल खुलता है तो छात्रों को एयरपोर्ट पायलट ट्रेनिंग सेंटर की सुविधा मिलेगी, जिस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा भी दिलाया। बता दें कि मध्य प्रदेश में रीवा के अलावा कहीं भी सैनिक स्कूल नहीं है। तो ये मुलाकात की तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। VD शर्मा आज राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की है और ये उनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर, सहकारी संस्थाओं के चुनाव में जोर लगाएगी कांग्रेस। खोई हुई जमीन पाने की कोशिश में है कांग्रेस, तो 4 चरणों में संपन्न होंगे सहकारी संस्थाओं के चुनाव। 4543 प्राथमिक कृषि साख सहकारी के चुनाव होंगे। 2013 के पहले समितियों पर कांग्रेस का कब्जा था। तो ये बड़ी खबर, सहकारी संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस जोर लगाएगी, तो खोई हुई जमीन पाने की कोशिश में भी कांग्रेस लगातार अपना प्रयास कर रही है। 4 चरणों में संपन्न होंगे सहकारी संस्थाओं के चुनाव।
इसी बीच बड़वानी से एक और बड़ी खबर, श्रद्धालु से भरा पिकअप वाहन पलट गया है तो करीब 15 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। तो सभी गंभीर घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। फिलहाल देव दर्शन के लिए पहुंचे थे सभी श्रद्धालु तो बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में यह हादसा हुआ था। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था तो उस दौरान की तस्वीरें हैं। बड़वानी से ये खबर सामने आई है कि श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन जो है पलट गया है। तो दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के बांसा तारखेड़ा गांव में हुए ट्रिपल मर्डर को लेकर बड़ी अपडेट है। दमोह जिले में हुए ट्रिपल मर्डर ने हर किसी का दिल दहला दिया है। गुस्साए परिजनों ने मंगलवार को चक्का जाम किया, जिसके बाद मौके पर दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर पहुंचे और परिजनों को उन्होंने समझाइश दी। तो करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद मृतकों के परिजनों ने दमोह सागर स्टेट हाईवे का जाम खोला। की जो यहाँ दुर्घटना हुई है, जिसमें एक परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है, उसके बाद जो परिवार के सदस्य थे उनकी कुछ मांगे थी जो इन्वेस्टिगेशन से लेके और मुआवजे और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर, उसके संबंध में वो लोग प्रशासन से बात करना चाह रहे थे और ये जाम उन्होंने इसीलिए प्रशासन को पॉइंटर करने के लिए जगाने के लिए बुलाया था। और कलेक्टर साहब की और मेरी उनके परिवार लोगों से बात हुई है और जो भी उनकी मांगें उन्होंने मांग पत्र में लिख के दी हैं, हमने उनसे बोला है कि उन पर सभी कार्रवाई की जाएगी और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। पहली कोशिश यही है कि आरोपियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। अब जो आज 3 बातें थी, इन 3 बातों पर हम लोगों ने पहले से ही हमारा मंतव्य बन चुका था। पहली चीज़ अनुकंपा नियुक्ति, तो होमगार्ड सैनिक थे, वो सर्विंग थे तो उनको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है, उनको अनुकंपा नियुक्ति तत्काल हम कल ही उसको प्रोसेस कर देंगे। दूसरा मुआवजे की बात है तो मुआवजे के लिए भी हमने कहा है कि कल ही हम इस पूरे प्रकरण को हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे और मुझे लगता है कि जल्दी हम मुआवजा स्वीकृत कराने में सफल होंगे। और तीसरी चीज़ है कि जिन लोगों ने इस तरह के विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया है उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाएँ, तो इस संबंध में भी पुलिस अधीक्षक से चर्चा हो गई है, वो लोग प्रकरण की गहन तफ्तीश में लगे हैं। तो मृतकों के परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर ये चक्का जाम किया था और फिर जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद जगह से हटे थे। तो चलिए ये भी बता देते हैं कि किन किन मांगों को लेकर परिजन अड़े हुए थे। तो दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, परिजनों की ये मांग थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इसके बाद से बिल्डर रॉकी सुरेखा पर FIR भी दर्ज हो। तो ये परिजनों की मांग है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। तो परिवार को उचित मुआवजा मिले, इसको लेकर परिजनों ने मांग की, साथ ही सरकारी नौकरी को लेकर उन्होंने मांग की है और अनुकंपा नियुक्ति की भी मांग कर रहे हैं। तो साथ ही परिजनों की मांग ये भी है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। उनके जितने भी घर हैं पूरे ध्वस्त किए जाएं। छोटी मोटी घटना होती कोई बात नहीं थी, लेकिन 3 मौत होना और नगर सैनिक का, ठीक है, वो भी पुलिसकर्मी थे सरकारी, तो यदि उनको उन पर मारा गया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। 2 स्टूडेंट थे, एक आर्मी की तैयारी कर रहा था, एक पुलिस की तैयारी कर रहा था, दोनों कोचिंग पढ़ने जा रहे थे, तो कोचिंग जाते समय रास्ते में इन लोग की रंजिश चल रही थी 3-4 दिन से, ठीक है, 4 दिन से चल रही थी, तो कल इनने घटना को मतलब उन लोग को मार दिया।